हे दोस्तों, जल जीवन है। पूरी धरती पर 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। मानव शरीर में भी लगभग 70% पानी ही है। इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं, पानी से बिजली भी तैयार किया जा सकता है। इसलिए बहते हुए या फिर गिरते हुए पानी को इस्तेमाल कर तैयार की जाने वाली ऊर्जा को हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर हफ्ते आने वाली नए वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि सभी को जानकर इसे फायदा पहुंच सके। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन करेगा कि हम ऐसे ही जानकारियों से भरे वीडियो बनाते रहें, क्योंकि दोस्तों सीखो वही जो हो सही। ये तो हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में बिजली तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर पानी की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए इस काम को पूरा करने के लिए पानी को ले जाने वाली नदियां वहां से गुजरना चाहिए जहां पहाड़ी इलाके हो, ताकि उन इलाकों में पानी को इकट्ठा किया जाए, और इसके लिए बाड़ बांधना जरूरी है। इसे हम डैम कहते हैं। डैम को बांधने से लगातार बिजली तैयार करने के लिए जो पानी हमें चाहिए होता है वो पूरा मिल जाता है। इस चित्र में देखिए, पानी को जमा किया गया है, इसे स्टोरेज या फिर रिजर्वर कहते हैं, और पानी को रोकने वाले उस बांध को डैम कहते हैं। डैम को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक बांधा जाता है, इसलिए पहाड़ का मजबूत होना जरूरी है। फिर डैम में जमा हुआ पानी को एक पाइप से पावर हाउस में रखे हुए टरबाइन पर छोड़ा जाता है। इस पाइप को पेनस्टॉक कहते हैं। पेनस्टॉक के आखिर छोर पे नोजल से पानी बाहर आता है, जो पानी के प्रेशर को बढ़ा देता है। इस प्रेशर की वजह से टरबाइन घूमने लगता है। पेनस्टॉक जो पानी को डैम से टरबाइन तक ले जाता है, उस पे एक सर्ज टैंक बना हुआ होता है जो पेनस्टॉक पे गिरने वाले प्रेशर को कम करता है, जिससे पेनस्टॉक सुरक्षित रहता है, और ये एक स्मॉल रिजर्वर की तरह भी काम करता है। पेनस्टॉक से बहता पानी नोजल द्वारा टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन घूमने लगता है। जब टरबाइन घूमता है तो उससे जुड़े जनरेटर के रोटार भी घूमने लगता है। जब रोटार घूमता है, जो बहुत सारे कंडक्टर से बना हुआ होता है, वो जनरेटर में अनदिखे मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए घूमने लगता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन पर आधारित है। फिर जो बिजली जनरेटर द्वारा उत्पन्न होती है, उसे स्लिप रिंग के सहारे बाहर इकट्ठा किया जाता है, फिर वहां से स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक भेजा जाता है। इस हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली तैयार होने के बाद उसे सबस्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन के सहारे भेजा जाता है, फिर सबस्टेशन से घर तक डिस्ट्रीब्यूशन पोल के सहारे भेजा जाता है। इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इससे बेहतर वीडियो बनाएं जिससे आपको और दूसरों को फायदा पहुंच सके। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।